मैंने ये उनको बताया था कि तुम्हारे गड्ढे पड़े कि तुम्हारे शरीर पर भी गड्ढे पड़ेंगे, याद रखना, धुलाई करूंगा तुम्हारी। बोल, डाल यहाँ पाइप। डाल दिया पाइप। हमने ना संविधान बदला न बदलने वाले है। संविधान की धज्जियां उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई। जितने लोग यहां बैठे हैं और वो जिंदे हैं तब तक, उनके बेटे बेटियां जिंदे हैं तब तक, और उनके भी बेटे बेटियां जिंदे हैं तब तक एक भी गड्ढा नहीं पड़ेगा, ऐसे मजबूत रोड हमने बनाया। मैंने तो ठेकेदारों को कहा, ये कारपोरेशन के ठेकेदार बहुत बदमाश होते हैं, तो मैंने ये उनको बताया था कि तुम्हारे गड्ढे पड़े कि तुम्हारे शरीर पर भी गड्ढे पड़ेंगे, याद रखना, धुलाई करूंगा तुम्हारी। डर के कारण सब रोड की क्वालिटी अच्छी है और आज पूरे सीमेंट कंक्रीट के रोड बने हैं। हमारी ड्रेनेज सिस्टम में पहले कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट कोई थे तो नगर सेवक थे। बोल, डाल यहां पाइप। डाल दिया पाइप। अरे कहां जा रहा है, फ्लो है कि नहीं, ग्रेडियंट कि नहीं है, पूरे नगर सेवक ये बैठे हुए नगर सेवक ऐसे नहीं है, बना मनमानी करके कहीं भी पाइप को घुसाड़ देते हैं। इस बार जायका के सहयोग से भारत सरकार की ओर से हमने 2400 करोड़ रुपए की नाग नदी की योजना मंजूर की। पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर, पश्चिम नागपुर, दक्षिण नागपुर का कुछ भाग और सब जगह पर अब ड्रेनेज सिस्टम नहीं लाने का काम हमने किया है। 2400 करोड़ की योजना है। नाग नदी और नालों को अच्छा बना रहे हैं और नाग नदी के अंदर में 10 फीट नीचे बड़े बड़े पाइप डालकर पूरा गंदा पानी वहां से जाएगा और पूरे नाग नदी में शुद्ध और स्वच्छ पानी रहेगा। और मुझे आपको मालूम है कि मैं जो बोलता हूं वो होता ही है। कोई है कि माइक का लाल मुझे पूछने वाला कि मैं आपको बताता हूं, आज से 3 साल के बाद मैं अंबाझरी तालाब में नाव में बैठकर पारडी होकर अंबोरा तक पानी में नाग नदी में जाऊंगा। अब लोगों का भी सहयोग चाहिए, नहीं तो हम पानी शुद्ध बनाएंगे और रोज आप धोने के लिए जाओगे तो क्या होगा। और हमने इतना अच्छा शुक्रवार तालाब बनाया गांधी सागर। एक दिन मैं जा रहा था तो एक आदमी वही लोहे के बार के अंदर से लघवी कर रहा था, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूरे कैनवा को रोका, नीचे उतरा और पीछे जाकर कस के एक लात मारी उसको कि हम इतनी मेहनत कर रहे पर आपके सहयोग के बिना नहीं होगा, ड्रेनेज सिस्टम सुधर जाएगी। और जो सॉलिड वेस्ट है, कचरा है, इसका श्रेय जातिवाद की राजनीति करते हैं, लोगों के मन में जहर बनाते हैं। बाबा साहब का संविधान हम बदलने वाले करके झूठा प्रचार लोकसभा में किया गया कि इनको 400 जगह मिलेगी तो बाबा साहब का संविधान बदलेंगे। हमने ना संविधान बदला न बदलने वाले हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई और इमरजेंसी के समय अनेक बार घटना को तोड़ने का काम अगर पाप किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया और बदनाम हमको किया गया। मुसलमानों को कहा गया कि ये बीजेपी वाले खतरनाक है, ये चुनकर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। कितने मुसलमानों के हार्ट के ऑपरेशन हमने करके दिए।